नमस्कार, तेज हरियाणा के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी अहम अपडेट आपको सिरसा जिला से दे रहे हैं, जहां पर एक बुरी खबर यह है कि आज सिरसा में करीब चार दिनों के लंबे अंतराल के बाद जहां पर एक सुकून की सांस हम लोग ले पा रहे थे कि कोरोना पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगी थी, लेकिन आज सिरसा से एक साथ छः लोग कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आने के बाद कहीं ना कहीं हड़कंप मचा है और एक बुरी खबर कहेंगे हम सिरसा जिला के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आज एक ही परिवार के तीन लोगों सहित कुल छः लोगों की रिपोर्ट है वो पॉजिटिव पाई गई है, जिनमें से तीन लोग गांव बरोखा की ढाणी से और एक सिरसा नामधारी वाली गली से, एक रेलवे कॉलोनी से और एक सिविल हॉस्पिटल का कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इस पूरे मामले की जो पुष्टि है सिरसा से सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र नैन ने की है। और अब सिरसा में अगर टोटल संक्रमित जो हम कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा की बात करें तो वो 68 पर जा पहुँचा है और अब तक 42 लोग सिरसा से ठीक हो गए। और अब अगर एक्टिव केस की बात करें तो सिरसा में इस वक्त एक्टिव केस हैं वो 26 पर संख्या है वो पहुंच गई है। अब लगातार सिरसा में पिछले कुछ दिनों से बेहद राहत की बात ये थी कि कोरोना पर अंकुश लगा था, लेकिन जिस तरीके से आज एक साथ छः जो मामले हैं कोरोना के पॉजिटिव आने के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता सिरसा जिला की बड़ी है कि जिस तरीके से सिरसा के भरोखा गांव से दंपत्ति सहित उनका 2 साल का एक बेटा भी कोरोना का पॉजिटिव मिला है। तीनों ही दिल्ली से लौटे थे और बाकी जो 3 लोग हैं उनकी भी स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर जांच कर रहा है कि क्या उनकी भी कोई ट्रैवल हिस्ट्री रही होगी। और सिरसा के भरोखा गांव से दंपत्ति सहित 2 साल का जो बच्चा है वो भी कोरोना का पॉजिटिव पाया गया है। इस पूरे मामले में सिरसा से सिविल सर्जन ने पुष्टि की है और अब सिरसा में जो एक्टिव केस की संख्या वो बढ़कर 26 पर पहुंची है और टोटल संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 68 पर पहुंच गया। हम आपसे अपील करते हैं, सीएमओ साहब ने अपील की आमजन से, आप कोरोना से एहतियातन सोशल डिस्टेंस को अपनाएं, चेहरे पर मास्क रखें और बिना वजह घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रदेश की मुश्किलें बढ़ रही हैं और रोजाना हम देखते हैं कि किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में जो कोरोना के पॉजिटिव केस हैं वो सामने आते हैं, तो हम आपको अपील करते हैं कि आप भी कोरोना से एहतियातन चेहरे पर मास्क और सोशल डिस्टेंस को अपनाएं, अपने परिवार का ख्याल रखें। और सिरसा से इस वक्त की सबसे बड़ी अहम अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि आज सिरसा में कोरोना बम फूटा है और एक साथ 6 कोरोना के पॉजिटिव केस हैं वो सामने आए हैं, जिनमें से 3 भरोखा से हैं और 3 अलग अलग स्थानों से जो कि सिरसा से बताए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज 6 कोरोना के पॉजिटिव केस आने के बाद जो 68 पर टोटल संक्रमितों का जो पॉजिटिव केस का आंकड़ा है वो पहुँचा और अब तक 42 लोग ठीक हुए हैं। और अब अगर एक्टिव केस की बात करें सिरसा में तो टोटल 26 हैं वो एक्टिव केस हैं वो हो गए हैं। अगर आपने YouTube पर तेज रहना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया।